बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑल इन्फॉर्मेशन टिप्स टीवी में खुश आमदीद। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी बताऊंगी जो बूढ़े तिलों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सस्ती और आसान तरीन टिप लाई हूँ जिससे इस्तेमाल करके आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। वैसे तो इस मसले का हल बहुत ही कम नज़र आता है और अगर डॉक्टर से रजू करें तो वो हमें धूप से अवॉइड करने का मशवरा देते हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि हमें अंदर बाहर आने जाने में धूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका आसान इलाज तजर्बे से ही हासिल हुआ है। तो ये तिल ज़्यादातर नाक और चेहरे पर ज़्यादा होते हैं। धूप के ज़्यादा पड़ने से ये तिल और ज़्यादा वाज़ह होना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म की जल्द में मेलानन मौजूद होती है जो फितरी जजू है जो जल्द को धूप से महफूज रखता है। तिलदार जल्द में बहुत सी खसूसियात होती हैं जो गोरी रंगत से मिलती जुलती होती हैं। ये भी कमज़ोरी होती है, गोरी जल्द की बनस्बत सूरज की शुआओं से ज़्यादा मुतासिर होती है क्योंकि इसमें हमें मेलानन की कमी होती है। तो इसलिए जो चीज़ जल्द की हमें धूप से बचाती है वो इसमें कम होती है, तो धूप इस जल्द पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो बूढ़े तिलों को ख़त्म करने के लिए आप एक छोटी नरम सफ़ेद मूली लें, इसे हमने धोकर कद्दूकश कर लेना है। बस मैंने इसे धोकर कद्दूकश कर लिया है। अब इसको एक कपड़े में डालकर इसका रस अलहदा कर लेना है। मैंने मूली को कद्दूकश करके इसका रस कपड़े में डालकर अलहदा कर लिया है। तो एक चावलों का बड़ा चम्मच मूली का रस, एक चावलों वाला बड़ा चम्मच लेमन का रस और हाफ टी स्पून दही, इसको हमने मिक्स कर लेना है। फर्स्ट मैंने मूली का रस एक चावल का चम्मच लिया था, ठीक है, और इसके बाद लीमू का रस एक चावल का चम्मच लिया था खाने वाला, और दही का एक चम्मच लिया था। इसको मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है और इसके बाद आपने यूं करके चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करके 15 मिनट के लिए आपने लगा रहने देना है। इसको फिर आपने किसी अच्छे फेस वॉश या साबुन से मुंह धो लेना है। तो इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी ट्राई करना है। तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको बहुत जल्द वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लास्ट में मैं फिर आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।